बेगम खुश आमदेद, आज पतीली चढ़ी हुई है सिलेंडर पे, हम ये कुछ चाय नहीं बनाने जा रहे अपने लिए या आपके लिए, ना ही कोई पिशावरी कहवा बनाने जा रहे हैं, बल्कि आज हम एक ऐसी नई यूनिक प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं जिसकी मार्केट में डिमांड अच्छी खासी है, कंपटीशन बहुत कम है, मार्जिन रेशो बहुत अच्छा है। इतना आइडिया दे सकता हूँ कि ये 65-70 रुपये में तैयार होती है, 65 से 70 रुपये में, और 250 से 300 रुपये में आपकी ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल होती है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। आज हम बनाने जा रहे हैं कार पॉलिश वैक्स। इससे पहले मैंने कार वाश शैम्पू की वीडियो बनाई थी और आपको बनाना सिखाया था कि किस तरह से बनता है, तो बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि जनाब इसकी जो पॉलिश है वो भी बनाना सिखाई जाए। एक अच्छी क्वालिटी की पॉलिश बनाना सिखाने जा रहा हूँ। एक तो हम पॉलिश बना रहे हैं, इसके अलावा मैं आपको इसी वीडियो में ज़ुबानी भी दो एक पॉलिशेज बता दूंगा जो इससे सस्ती भी होंगी और कुछ इससे महंगी भी होंगी, और एक काम आज प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, देखेंगे हमें कितने में पड़ती है, और मैं आपको इसकी मार्केटिंग के कुछ तरीकाकार भी बताऊंगा, आप कहाँ कहाँ पर इसको सेल कर सकते हैं, ज़्यादा सेल किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ये भी आज हम जानने देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जनाब हमने एक पतीली ली, उसमें हमने पानी डाल दिया, पानी कितना डाला है इसका कोई वजन नहीं किया, लेकिन हमने तकरीबन इसको आधा कर लिया है, और इसमें कुछ 2-3 टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी हैं। और हमने इसको चढ़ा दिया सिलेंडर पे, ये तकरीबन पानी गर्म हो गया, इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम एक और बर्तन लेंगे, हमने ये खाली एक बर्तन ले लिया है, और अब हम इसका करेंगे डबल बॉयलर सिस्टम, ठीक है। ये लें जी, ये मैंने इसके अंदर रख दिया है, और अब इसमें हम डालेंगे रॉ मटेरियल्स हमारे। सबसे पहला जो हमारा इसमें रॉ मटेरियल जा रहा है वो है जनाब पैराफिन वैक्स, ये हमने 30 ग्राम ली है, अब हम इसको इसमें डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब केमिकल्स के उर्दू में नाम बताया करें, तो ऐसा है कि हर केमिकल का उर्दू में मुझे नाम नहीं आ रहा होता, कोई केमिकल ऐसे होते हैं साइंटिफिक नेम्स होते हैं, लेकिन इसको मोम भी कहते हैं। जनाब हमने इसको इसमें डाल दिया और ये पिघलना भी शुरू हो गया, डायरेक्ट इसको हमने आग पर नहीं पिघलाना, बल्कि इसके लिए हमने इस तरह से डबल सिस्टम करना है। अगर आप थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, और अगर आप बड़े लेवल पर करना चाहें तो हमारे पास डबल जैकेट मिक्सर्स अवेलेबल हैं जिनमें आप कमर्शियल सतह पर काम कर सकते हैं। ये जनाब बड़ी तेज़ी के साथ पिघलना शुरू हो गया है, हम इसका मुकम्मल पिघलने का इंतज़ार करते हैं, तब तक के लिए मैं वीडियो को पास करता हूँ। और हाँ, कार वाश शैम्पू की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देखें ऊपर एक आई कार्ड आ रहा है इस साइड पे, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, ऊपर लिखा हुआ है कार वाश शैम्पू, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो पर भी पहुँच जाएंगे, आप वो भी देख सकते हैं, और आप इन दोनों कामों को मिला के कर सकते हैं, अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड करा के उसमें कार वाश शैम्पू भी बनाएंगे और ये पॉलिश भी बनाएंगे, और जनाब इसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अभी हम मज़ीद बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होनी है इसको पिघलने देंगे, तब तक इंतज़ार करते हैं। नहीं जी, हम फिर से वापस आ गए, हमारा ये जो पैराफिन वैक्स है या मोम हम जिसे कहते हैं उर्दू में, वो पिघल चुका है, अब हम इसमें अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है या मटेरियल जो है वो इसमें डालने जा रहे हैं। हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं तारपीन ऑयल, जनाब ये 50 ml इसमें ऐड कर रहे हैं, इसमें हमने तारपीन ऑयल को ऐड कर दिया, और इसको मिक्स कीजिएगा अली भाई। हमने इसको इसमें ऐसे ही ऊपर चढ़ा के इसको हमने कर लिया अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें एक और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करने जा रहे हैं, हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं ऑलिव ऑयल। एक होता है एक्स्ट्रा वर्जन, वो खाने में यूज़ होता है, वो बहुत महंगा होता है, और ये एक आम ऑलिव ऑयल है, इसको हमने इसमें ऐड किया, ये हमें सस्ता पड़ता है। ये लें जी, सबसे पहले हमने इसमें पैराफिन वैक्स ऐड की, उसके बाद हमने तारपीन ऑयल ऐड किया, और उसके बाद हमने ऑलिव ऑयल ऐड किया। अब हम आप इसमें कोई भी खुशबू ऐड कर सकते हैं, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लेमन की खुशबू जी। ये लेमन की खुशबू भी इसमें हमने ऐड कर दी, आप खुशबू ऐड ना भी करें तो भी ये इसकी अपनी खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है मुझे, लेकिन हमने खुशबू ऐड कर दी है, तो जनाब अब और ज़्यादा इसकी खुशबू निखर गई है। खुशबू को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसमें नीचे जो फ्लेम है या आग है उसको बंद कर देंगे। अली भाई इसकी आग बंद कर दें, इसकी आग मट्ठी कर दें। अब हम अपने इस जो हमने डबल बॉयलर सिस्टम किया था अंदर वाले बर्तन को इस पानी में से निकाल के साइड पे कर लेंगे। हमने इसको पानी में से निकाल लिया है और अलग जगह पर रख दिया है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता जमना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद हमारी ये वैक्स तैयार हो जाएगी। हम इसकी कॉस्टिंग की तरफ भी बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि ये थोड़ा सा जम ले और इसकी शक्ल आपके सामने। ठंडा होने के बाद हमारी वैक्स इस शक्ल में आ चुकी है, अब ये इस्तेमाल के काबिल है, आप इसको गरम गरम डब्बियों में डालते जाएं, और ठंडा होने पे ये इस तरह शक्ल में आ जाएगी। अज्जाए तरकीबी अगर हम देख लें जिसे हम फार्मूलेशन कहें, तो पैराफिन वैक्स 30 ग्राम,
₹9 की गई इसमें, ये ₹400 किलो तक मिल जाती है आसानी से। तारपिन ऑयल 50 मिली लीटर गया, ये ₹500 किलो तक मिल जाता है, लीटर कह लें आप जिसे, ₹25 का। ऑलिव ऑयल जो है ये ₹650 इसका रेट मिला मुझे लेटेस्ट, ये 50 मिली लीटर गया ₹32 में। फिर रिपीट कर दूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हमें नहीं चाहिए, ये हमने खाने में इस्तेमाल नहीं करना, तो ये सस्ता मिल जाता है। खुशबू 2 मिलीलीटर हमने डाली ₹4 की। यह हमारा 132 ग्राम टोटल मटेरियल बना जिसकी कीमत बनी ₹70। इसी तनासुब से अगर हम 1 किलो अपनी प्रोडक्शन की कीमत निकालें तो ₹530 बनती है। वुमन मार्केट में जो इसकी पैकिंग आ रही है वो 225 ग्राम पैकिंग आ रही है, जिसकी कीमत हमें कॉस्ट पड़ती है ₹120। इसकी डब्बी और स्टिकर की बात करें तो हमें ₹50 में पड़ जाती है, ₹10 हम मजदूरी और गैस की मद में इसमें एक पैक साइज़ में शामिल कर लेते हैं, तो हमें टोटल खर्च ₹180 का एक पैक साइज़ तैयार पड़ता है तमाम चीज़ें डाल के। फॉर्मूलेशन पे एक दफ़ा मैंने इसको कर दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको फिर कोई मसला ना पेश आए। की तफसीलात की तरफ बढ़ें तो यहाँ तक हमारी टोटल कॉस्ट आई एक पैक साइज़ पे ₹180, डिस्ट्रीब्यूटर को 250 का जाएगा, होलसेलर को 300 का, दुकानदार को 350 का, और इसकी रिटेल 400 की। जो हमारे कंपेटिटर मार्केट में बैठे हैं वो ₹550 का ये पैक साइज़ बेच रहे हैं, हम ये 400 का बेचेंगे। मुनाफा फी पैक अब हमें जो बचेगा वो ₹70 बचेगा, और अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ 10 पैक रोज़ाना के सेल करें तो हम ₹700 तक कमा सकते हैं, और अगर हम 100 पैक रोज़ाना के सेल करने लग जाएँ तो ₹7,000 रोज़ाना। अगर महीने की बात करें तो तकरीबन ₹2,00,000 इससे मार्जिन कमाया जा सकता है डेली का, अगर हम 100 पैक सेल करने लग जाएं। शुरू शुरू में आप ये प्रोडक्ट डायरेक्ट सर्विस स्टेशंस को भी सेल कर सकते हैं, आपके इलाके में जो सर्विस स्टेशंस हैं उनको आप 250 की बजाय ₹300 का दें, जो कि उन्हें 550 का पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपका मार्जिन भी बढ़ जाएगा और उन्हें भी इसमें ज़्यादा बचत हो जाएगी, तो वो आपकी प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे कि एक अलग किस्म की प्रोडक्ट है। अगर आप इसको मज़ीद सस्ता बनाना चाहें तो आप इसमें ना तो ऑलिव ऑयल डालें ना ही आप तारपीन ऑयल डालें, आप सिर्फ वैक्स में पाइन ऑयल शामिल करें तो आपका वो भी एक तरह से वैक्स तैयार हो जाएगा। और अगर आप इसको मज़ीद बेहतर करना चाहें तो आप तारपीन ऑयल, ऑलिव ऑयल डालने के साथ सिलिकॉन ऑयल भी इसमें ऐड कर दें 50 मिलीलीटर, तो ये और भी बेहतरीन क्वालिटी का बन जाएगा। कॉस्टिंग बढ़ जाएगी लेकिन उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। हम ये कारोबार शुरू करना चाहें तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक ट्रेडमार्क, जो कि हमारा नाम होगा। ₹15,000 इसकी कॉस्ट है इनिशियल, 10-1,000 का हम इनिशियली रॉ मटेरियल डाल के लेते हैं और ₹5,000 की डब्बी। हमारा ₹30,000 में ये काम स्टार्ट हो सकता है अगर आप इसको मैनुअली करें। अगर आप डबल जैकेट मिक्सर की तरफ जाएंगे तो ₹70,000 का वो है, तो इस तरह से ₹1,00,000 में आप ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। ये जो हमने वैक्स तैयार की है ये सिर्फ कार्स के लिए नहीं है बल्कि तमाम तरह के मेटल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे ये काम कर सकती है और उनको ये चमकाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। मज़ीद 10-1,000 आप इसमें खर्च ऐड कर सकते हैं इधर उधर के, तो अगर आप बग़ैर मिक्सर के करेंगे तो 40-50,000 में शुरू हो सकता है, और अगर मिक्सर लेंगे तो 1,10,000 से 1,25,000 तक आप ये कारोबार बहुत आसानी के साथ शुरू कर सकते हैं। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए बिज़नेस आइडिया, नए फार्मूले के साथ। और हाँ, आप बताइए कि नेक्स्ट फार्मूला कौन सा आना चाहिए, और हर फार्मूले पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसी वजह से कभी हफ्ता हफ्ता भी डिले हो जाती है वीडियो। हम उस पर पूरी रिसर्च करते हैं, उसको बनाते हैं, टेस्ट करते हैं और उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं, लिहाजा हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट किस वीडियो, किस टॉपिक पर वीडियो होना चाहिए, किस चीज़ का फार्मूला आपको चाहिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर करूँ। अल्लाह हाफिज़।